सर्किल में, वो कहते हैं हैदराबाद की आवाज चोर है, बिजली चोर है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए मेरा ख्याल ये है कि कराची इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन वो भी लाइन लॉसेस जो है वो किस पर डालती है? मीटर होल्डर्स पर। मेरा अपना मानना यह है कि महाजर खानदानों को मैंने 3 नस्लों को किराए के मकानों में रहते हुए देखा है, लेकिन महाजर कौम की रिवायत नहीं है कि कीकर के कूटे गाड़ के तो जमीन को अपने बाप की मिलकर समझ ले और मकान बना ले। महाजर इंक्रोचमेंट नहीं करता, कच्ची आबादियों में बगैर मीटर के कुंडा सिस्टम जो चल रहा है, बिजली वहां चोरी हो रही है, उस चोरी की बिजली की अदायगी मैं और आप कर रहे हैं जो मीटर होल्डर्स हैं, चाहे वो हैस्तो की हो चाहे वो के इलेक्ट्रिक की हो। जो लोग चोर कह रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए, इसलिए कि वो अपनी कौम अपनी बिरादरी के लोगों की चोरी को छुपाना चाहते हैं और हमारे सर डालना चाहते हैं। महाजर आवाम ना चोर है ना इससे कभी इंक्रोचमेंट की है। जाओ पूरे शहर के अंदर देखोगे इंक्रोचमेंट किसने किए, कहां कुंडा सिस्टम चल रहा है। ये आपकी आबादी है, यहां कुंडा सिस्टम है, यहां मीटर होल्डर्स हैं सारे के सारे, और इन मीटर होल्डर्स के ऊपर तमाम लाइन लॉसेस जो है वो तकसीम कर दिए जाते हैं। तो लोगों की चोरी का खामियाजा, लोगों की चोरी का भुगतान भी हम भुगत रहे हैं। जो लोग चोरी कर रहे हैं उनकी चोरी पर पर्दा डालने की बजाय आपको, आपका फर्ज यह है, सिंध गवर्नमेंट का फर्ज यह है, वफाक का फर्ज यह है कि अगर आज आप ये कहते हैं कि एनडीएमए को बुला के आप नालों पर से कच्ची आबादियां खत्म करवाएंगे, बात यह कि कच्ची आबादियां तामीर किसने करवाएंगी? उस शहर में महाजर आबादी को अकलियत में तब्दील करने के लिए हौसला अफजाई किसने की थी बाहर से आने वालों को वहां बसाने की? और जब वहां लोगों को बसाया तो आज आप उनसे तवक्को रखते हैं कि वो अपने हाथ से उनको हटा देंगे? मैं लिख कर देता हूं कि वहां से इंक्रोचमेंट को कोई नहीं हटा, इसलिए कि वो इंक्रोचमेंट हमें अकलियत में तब्दील करने के लिए मंसूबाबंदी के तहत करवाई गई थी, और वही लोग तमाम के तमाम कुत्ते के ऊपर बिजली चलाते हैं। मुझे याद है मेरा एक साथी टीमों की हैसियत से किसी जगह पर तैनात था, उन्होंने महाजर आबादी में बिल्डोजर ला के ठेर दिए और विचारों के छोटे छोटे पथारे और केबिन सब आसमान पे थे। लोगों का कारोबार तबाह हो गया, वो रो रहे थे। मेरे पास आए, मैंने कहा कि मैं बुलाता हूँ टीमों को, टीमों को मैंने बुलाया और मेरे पुराने साथियों थे, मैंने उनसे कहा कि ये आपने क्या किया, गरीबों को आप कम अज कम फोन करते, उन्हें कोई ऑल्टरनेट, आप उनको कोई कारोबार का जरिया फराहम करते, किस तरह बाकी मॉडल में होता है। उन्होंने कहा मैंने इलाका क्लियर कर दिया, उसी इलाके से मुझे कई इलाका है जहां पर इंक्रोचमेंट करते 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 रोड इतना नैरो कर दिया गया है कि वहां अगर एक गाड़ी चल रही है तो एम्बुलेंस ओवरटेक नहीं कर सकती, ऊपर से ले जाने की कोशिश कर लीजिए आप, ओवरटेक नहीं कर सकती। तो मैंने कहा कि यहां से मरीज ओवरटेक नहीं कर सकती एम्बुलेंस, लोग मर जाते हैं, आप यहां पर कम से कम नोटिस जारी कर दीजिए। तो बहुत जोर से हंसे थे और उन्होंने हंसकर मुझसे कहा कि इतना सा काम है, और उसके बाद उन्होंने उस इलाके के अंदर नोटिस जारी कर दी। नोटिस जारी करने पर उनको आके यूनिफॉर्म में मां बहन की गालियां दी थी लोगों, उसके बाद आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इंक्रोचमेंट किसने करवाई। ये इंक्रोचमेंट गैर महाजनों की हमारी आबादियों में हमारी बस्तियों में हमें अकलियत को बदली करने के लिए करवाई गई, और ये दानिशा इकदाम था। और आज उन तमाम कच्ची आबादियों के बिजली के चोरी के बिल मैं और आप अदा कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट सिंसियर है और वो मसाइल को हल करना चाहती है और वो इंसाफ पसंद है, तो मेरा जैसा आदमी जिंदगी भर मजदूरी और जिंदगी भर मुलाजमत करने के बाद अगर कुछ पैसे जमा करके 63 डाउन जैसे इलाके के अंदर प्लॉट खरीदता इंक्रोचमेंट करने की बजाय, तो उसमें और एक कीकर के कूटे गाड़कर जमीन घेरने में फर्क होना चाहिए। मैं जमीन खरीद रहा हूं उसके बावजूद मैं टैक्स पे कर रहा हूं, और वो शख्स कीकर के कूटे गाड़कर जमीन के ऊपर अपनी मिल्कियत साबित कर रहा है, उसकी हौसला अफजाई की जा रही है। कम अज कम सिंध गवर्नमेंट, कम अज कम फेडरल गवर्नमेंट इनकी हौसला शिफ्टिंग करने के लिए कोई कानून तो बना सकती है कि जिन लोगों के पास हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी या कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के नक्शे नहीं है, अलॉटमेंट नहीं है, उनको यूटिलिटी सर्विसेज फराहम नहीं की जाएंगी ताकि उनकी हौसला शिफ्टिंग हो। इलेक्ट्रिक हो, गैस हो, पानी का कनेक्शन हो, किसी चीज से कोई इंक्रोचमेंट वाला महरूम नहीं है।
आप किसी भी जगह चले जाइए जहां पर आबादी की आबादियां लोगों ने घेर के बना ली, वहां बिजली के कनेक्शन भी मौजूद हैं, वहां पर पानी के कनेक्शन भी मौजूद हैं, वहां पर गैस की सहूलत भी मौजूद है, तमाम सहूलतों से आ रहा है। जो शख्स जमीन खरीदे बगैर भी तमाम सहूलतें हासिल कर रहा है और जो शख्स जिंदगी भर की कमाई से प्लॉट खरीद के सहूलत हासिल कर रहा है, उसके साथ तो नाइंसाफी हो गई ना। तो हुकूमत को चाहिए कि अगर शहर के मसाइल हल करना चाहते हैं तो महाजिर अवाम से खौफजदा होकर उसको अकलियत में तब्दील करने के लिए जो पूरे पाकिस्तान से लाके हौसला अफजाई की जा रही है और लोगों को बसाया जा रहा है, पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तान के तमाम शहरियों का, पाकिस्तान का हर शहरी पाकिस्तान के हर हिस्से में आके आबाद हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी वही कानून होना चाहिए जो मेरे लिए कानून, वो कानून से मुबर्रा कानून से बालादर नहीं होना चाहिए।